अपेक्षा था इसके अंदर दूसरे देश से आपको भेजा था, हमें भी दूसरे देश में छोड़ दी, हमें दूसरी कंट्री कर दो, हमें वो लाख और छोड़ के ना अब सऊदी अरब में हमने वीजा कितने दे दी, हज को दे तो हज का वीजा दे दी, उम्र के तो उम्र का वीजा को डेट दे दी, उसके बाद हमें एक दो दिन के रहते तो पकड़ छोड़ के ना उठा वो बाहर उन्होंने फ्री टिकट को भेज दी। वैसा उससे हमने अपेक्षा नहीं था। ये बीजेपी वाले अलग के साजिश करको एनआरसी भी छोड़को सीएए करको उन्होंने अलग हिसाब से करे। आसाम के अंदर सर्वे चले, आसाम के अंदर सर्वे चल को 19 लाख आइडेंटिफाई हुए, जो घुसपैठ है जो बाहर से आपको हिंदुस्तान के नहीं करो 19 लाख आइडेंटिफाई, 19 लाख के अंदर आइडेंटिफाई के अंदर 4 लाख से करीब मुसलमान बचे के 15 लाख जो है ना अलग अलग फॉर्म के अंदर थे। सुनो अब भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहे हो, अब जो आइडेंटिफाई करें उसके अंदर मुसलमानों को छोड़ो दूसरा हमें सिटीजनशिप देती ही नहीं है, सिटीजनशिप पर मुसलमानों को छोड़ो दूसरे को सिटीजनशिप देती ही करो उनका कहना हो। हमें क्या बोल, हमें क्या गलत करे थे दुनिया, हमें क्या गलत करे थे मुसलमान दूसरी देश में। केजरीवाल बहुत अच्छी बात बोले, हाली के अंदर एक प्रेस मीट के अंदर केजरीवाल बोले अब इन्होंने डिसीजन कर ली, खुदा ना करे अब बांग्लादेश बाजू बॉर्डर है, अफगानिस्तान बाजू है, इंडिया के बाजू है, पाकिस्तान इंडिया के बाजू है, यहाँ से हमारे हिंदुस्तानी अपने कम से कम जाको 6 से 7 करोड़ अपने हम जाको मुसलमान काम कर रहे कोई काम 3 घंटा में इतना बोलो सो सऊदी अरब में छोड़ो तो दूसरी कंट्री में छोड़ो तो खाली 3 कंट्री के अंदर अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर कम से कम 4 करोड़ रुपये काम करेगा कोई। अब उन्होंने तो तुम्हें यहाँ के तब करो उन्होंने डिसीजन देखो उन्होंने वहाँ से निकाल देखो तो उनको 4 करोड़ रुपये को तुम्हें कहाँ फंसाती कहाँ रखती, वो से स्टेट में तुम्हें रखती कर्नाटक में रखती दिल्ली में रखती महाराष्ट्र में रखती कहाँ रखती करो। केजरीवाल साहब उनके प्रेस मीट के अंदर बोले हो केजरीवाल साहब कहाँ रखती उनको देखो हम ना कहके हमें कहके कभी करने की जरूरत है। मैं हाल ही के अंदर प्रेस मीट के अंदर भी बोला अब मैं राजपूत का मैं पॉलिटिक 4 बार तुम लोग एमएलए बनी 2 बार मैं मिनिस्टर बना था अल्लाह के फजल करम से तुम्हारी दुआ से तुम्हारी साथ की वजह से आज एक मुकाम में अल्लाह ने मुझे पहुंचा कर्नाटक में नहीं हिंदुस्तान में काम की जगह मत काम करो पहचान के तुम्हारी बहुत बहुत अल्लाह के बाद तुम्हारी बहुत 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 आज ये राज्य बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। पहले क्या करते थे पहले कभी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रखते थे अब बात को जरा एजुकेटेड हो जाओ ना हिंदू भाई हमें रखते थे अन्ना और विलेदर अन्ना ने दादा को क्रेडिट दे दिया सर्टिफिकेट दिया बर्थ सर्टिफिकेट दिया इलवा ने मपा दिया इल्ला मते बरोबर नहीं ना इनके बाबा का है ना इनके दादा का है बरोबर ना ये अब क्या होगा रिसेंट अब क्या होगा अब बाद में क्या होगा वो जरा रास्ता चेक करके वो हिसाब से